मंडी में जिला विकलांग संघ की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विकलांग संघ से जुड़े कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर जिला विकलांग संघ की अध्यक्षा हेमलता बठानिया ने कहा कि कई सालों से प्रशासन विकलांग संघ की कई मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि संघ कई सालों से चाहता है कि विकलांग संघ की मीटिंग और अन्य आयोजनों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, पर अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 26 नवंबर से बड्डल में जिला स्तरीय विकलांग खेलकूद प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है। जो हमारी मासिक बैठक करने के जो वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की थी हमने, उसे जो है हमने 2-3 बिल्डिंगें भी बताई थी, तो वो हमारा आज तक उन्होंने उसके ऊपर कोई भी विचार नहीं किया। और हमारी जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी ये है कि ना हमारा जो जिला कल्याण अधिकारी हैं, उनको ADM साहब ने 11 सितंबर को जो है मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने उनको टाइम दिया था 15 दिन का कि इनके जो विकलांग भवन के लिए जो भूमि दी जाएगी उसके लिए जो है आप 15 दिन के अंदर जो है ऑनलाइन सारा सिस्टम करके इनकी जो है जल्द से जल्द इस मांग को पूरा करें। लेकिन हमें आज तक ये पता नहीं है कि जिला कल्याण अधिकारी क्या कर रहे हैं और प्रशासन क्या कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि DC महोदय जो है हमारी इस मांग को जल्द से जल्द पूरा करें। और दूसरा जो है हमारी जो हर वर्ष जो है विकलांग बच्चों की जो गेमें होती है वो 26 तारीख को जिला स्तरीय मंडी पड्डल मैदान में हो रही है। कौन सी 26 नवंबर को जो है पड्डल मैदान में हो रही है, उसमें हमारी संस्था के जो है 15 बच्चे जो है उसमें भाग लेंगे। और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बच्चे जो है बिना प्रशिक्षण लिए जो है अपनी जो प्रतिभा दिखाने का जो है वो हुनर रखते हैं। तो मैं DC महोदय के माध्यम से सरकार को सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे बच्चों को भी जब भी ऐसी गेमें हो तो गेमों से पहले जो उनको प्रशिक्षण दिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं।